जो हमने अपना एक ब्यूटी कॉन्शियसनेस बना लिया है कि वी हैव टू यू नो हैव एक्रेलिक्स, स्पेशली एक्रेलिक्स होने जरूरी है, वी हैव टू लुक गुड, स्ट्रीक्स होने जरूरी है, केराटिन होना जरूरी है. सो आई हैव सीन सिंस आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस, I represented Pakistan across the country as well. इस तरह से फिर वो जो है एक आपके अंदर एक insecurity built हो जाती है, anger built होता है कि I can't do this. And then you start blaming your parents, yourself. Then you start experimenting at home. Unadvisable बाल जल जाते हैं. और फिर जो हमारा color का है ना कि लड़की गोरी चिट्टी होनी चाहिए, पतली दुबली होनी चाहिए. Welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. Assalamualaikum बहुत. आज हमारे साथ वफा मौजूद हैं. वफा is a social activist and she is one of the youngest PhDs in the Punjab region. So आज हमने वफा को इसलिए बुलाया था कि हम लोगों ने बहुत बार toxic beauty standards की बात की है कि beauty standards क्या है और उनकी वजह से किस तरह से ख्वातीन के ऊपर क्या क्या ख्वातीन झेलती हैं उनकी वजह से. सो नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट कि उसकी वजह से जो प्रेशर है, जो सोसाइटी का जो प्रेशर है, इसकी वजह से ख्वातीन जो हैं किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरती हैं जस्ट टू फिट इन, टू ब्लेंड इन. जो हमारे मैगजीन्स बताते हैं या जो हमारे टीवी बताता है, उसकी वजह से ख्वातीन जो है व्हाट हैपेंस टू देम. सो वेलकम वफा, हाउ आर यू? I'm good, fine, thank you, and thank you so much for having me over. It's lovely to have Naima, you and talking about this. Achha, ye jo humne apna ek beauty consciousness bana liya hai ki we have to, you know, have acrylics specially because I'm having them. Acrylics hone zaruri hain, we have to look good, streaks hone zaruri hain, keratin hona zaruri hai. So I have seen since I have been to many places. I represented Pakistan across the country as well. तो ये आप इतना प्रेशर में आ जाते हो, एक तो आप इकोनॉमिकल प्रेशर में आते हो कि ज़ाहिर है इकोनॉमिकली इट इज़ बेंट अपॉन यू, आप जॉब कर रहे हो. उसके बाद फिर अगर आपने वो सब नहीं किया होता तो आप वो द ऑड वन आउट हो जाते हो. यू नो द ऑड वन, सब ने किया हुआ है और आपने नहीं किया हुआ है, तो वो आपको कहीं ना कहीं से ऐसे भी होता है कि यू नो यू फील आउट ऑफ द बॉक्स, आप उसमें फिक्स नहीं हो पाते हो और फिर आपको खुद से भी बुरा लगता है, देन यू स्टार्ट डूइंग दैट. और उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही होते हैं. आई वुड नॉट नेम द प्लेसेस जहाँ पे आप जाते हो अगर काम कराने के लिए. अगर मैं बात करती हूँ एक्रेलिक्स की, तो आपका वो इतना ख़राब करते हैं नेल के आपके नीचे से जो है फ्लैश नज़र आना शुरू हो जाता है. सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि हम उसको अपने ऊपर इतना तारी कर लें, इतना सवार कर लें कि हमने करना ही है, बिकॉज द अदर्स आर डूइंग इट. सो इफ यू हैव कर्ली हेयर, गो विद कर्ली हेयर, बी योरसेल्फ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो स्टिक विद योर. सॉरी टू कट यू हेयर, बट यू नो द स्पेशली दिस थिंग अबाउट द कर्ली एंड द स्ट्रेट हेयर, डोंट आस्क. आई मीन if you see in every university, in every, you know, all the girls, especially the teenagers and the young, they just want that, you know, straight hair, straight hair. Aur samajh hi aati hai. Sometimes I ask my students ki bhi ladkiyon ko bhi dekhe, main kehti hu tum sare log ek hi tarah ke lagte ho mujhe, bas straight hair, you know, lambe aur straight hair aise. Ab matlab aap you know being Asian hai, yahan ho jati hai, yahan se straight. And then, you know, it's one pose like this, you know, कि मुझे पता है सेल्फी मेरी यहाँ पे अच्छी आती है, so you know she will always be in this. और मुझे मैं उनको ये कहती हूँ, हमारी जीन्स के अंदर we don't have that straight hair. हम लोग ना कोई जैपनीज है ना ही हम लोग की you know थाई है या वो उनकी, हाँ उनके तो चलो जीन्स में है या उनके बाल स्ट्रेट होते हैं, बट वी हैव दिस कर्ली हेयर एंड दैट्स अ ब्लेसिंग टू अस. आई मीन अच्छा है अगर हमारे घर, लेकिन नो नो केराटिन और पता नहीं क्या. आई मीन आई एम जस्ट गोइंग टू, आई विल नॉट मेंशन हर नेम, शी इज इन अवर यूनिवर्सिटी, शी इज यू नो नेक्स्ट टू माई ऑफिस एंड फर्स्ट टाइम व्हेन शी जॉइंड अस शी हैव अ ब्यूटीफुल कर्ली थिक हेयर. और मैंने उसको पहले दिन ही मैंने कॉम्प्लीमेंट किया, मैं कहूँ वाओ आई लव योर हेयर एंड यू नो दे आर कर्ली एंड नेचुरल. अच्छा आफ्टर टू वीक्स हर हेयर वॉज कट and she straightening them up. Mere ka okay, you are looking good. Shiza's laughing. I hope Shiza's not done something to her. No, it's not. It's not. Natural.
embracing curly hair is one of the biggest stresses women have these days. I remember I think this started, the trend started in 2006 ke around, 2005 ke around, shapers aana shuru hue the, aur tab se और उससे पहले गार्डन कटिंग यू आई रिमेम्बर माय मदर गोइंग फॉर पर्म्स हाँ तो हम लोग चाहते थे कि बाल जो है वो पर्म हो और उसके बाद उसमें कलर्स हो बड़े कलर्स डाले और अब हम बिल्कुल ही ऑपोजिट आ गए हैं डेड स्ट्रेट हेयर कुछ नहीं है तो अच्छा पास स्ट्रेट कर लो तो हाँ एंड सिंस वी बोथ आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नैना हु डिग्री विद मी गर्ल्स व्हाइल सिटिंग और अगर कोई नया बच्चा लड़की आती है तो द फर्स्ट थिंग इज जहाँ You know, it's become an industry. It's gone so expensive, so overboard. कि you have to cut some other things to do this. तो वहाँ पे आप mentally stressed हो जाते हैं. When you're mentally stressed, you're not happy. तो आहिस्ता आहिस्ता आप ना क्या कहते हैं उसे कि आपकी happiness, inner happiness खत्म हो जाती है. और you become depressed कि भाई मुझे ये किसी तरह करवाना ही है because I have to fit in the society और अगर मैं ये नहीं कराऊंगी तो you know people will talk against me कि देखो उसके बाल कैसे हैं उसके बाल कर्ली हैं and इस तरह से फिर वो जो है एक आपके अंदर एक insecurity built हो जाती है anger built होता है कि I can't do this and then you start blaming your parents yourself then you start experimenting at home which is unadvisable, बाल जल जाते हैं और फिर उसमें ये भी होता है कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं और जिस तरह हम जाते हैं वो भी उनका भी बहुत असर होता है तो उसमें आप बहुत ज्यादा जाते हो And you know, I started this CGM method. I think you all know about it, the curly girl method. वो मैंने देखा कि जी पूरे पाकिस्तान में फेसबुक पे एक ही ग्रुप है वुमेन ग्रुप जहाँ पे द लेडी इज फ्रॉम कराची एंड शी इज एजुकेटिंग एवरीवन कि जी CGM में आई मीन कर्ली गर्ल मेथड मींस इट्स अ यूरोपियन वैसे तो वो है मतलब वहाँ पे लोग यूरोप में बहुत है कि सल्फेट फ्री और आप केमिकल फ्री चीजें इस्तेमाल करें एंड यू नो हाउ हाँ आप कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूज करें एंड देन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेयर एंड ऑयलिंग एंड यू नो दीज थिंग्स She talks about that and she advises the log. Lekin maine ek aur baat bhi note ki thi while I was searching for the products, they are very difficult to find. Yani for example, bahut bade bade jo stores hain, wahan pe aapko milega ki ji sulfate free hai ya peptide ya ye cheeze jo free hain. That's expensive. Warna otherwise aapko normally market ke andar to aapko milega hi nahi. I mean they this even the products the shampoo ya jo hair care hai, wo bhi bade few products and they are very expensive by the way. ये भी बता दो तो यानी अगर आप यू वांट टू हां टू कम टू CGM मेथड उसमें भी आपको भी बहुत यू नो खर्चा वर्चा करना पड़ेगा वरना आई वाज डूइंग अ रिसर्च सो यू कैन यू नो ऑलवेज गो बैक टू जिसे कहते हैं कि हमारे जो माओं के टोटके होते थे दही अंडा लगा लें उससे भी बहुत सिका काय लगा लें और मेयोनीज लगा लें मतलब इस तरह की बहुत सारी ऐसे ही चीजें हैं हमारे पास जिन्हें हम बड़े लो लेवल पे और बड़े कम प्राइस में घर में यूज कर सकते हैं आप अपनी हेयर टाइप पता होनी चाहिए आप अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए और आप उसके हिसाब से उन चीजों को यूज कर सकते हैं इट्स नॉट दिस और एक्सटेंशन तो मैं कहने ही भूल गई कि एक दौर ये भी था कि आपको मैं उसका एक क्या कह सकते हैं मैं आई वॉन्ट टू इट तो आप ये भी था कि एक्सटेंशंस कराएं उससे भी आपके बाल डैमेज होते हैं दे आर सो एक्सपेंसिव टू ग्रो योर हेयर आप अपना हेल्दी डाइट खाओ डिटॉक्स करो अपने आप को वॉक करो फ्रूट खाओ एंड देन यू नो योर स्किन इज ग्रोइंग यू डोंट नीड टू गो फॉर दिस थिंग एंड बाल भी अच्छे रहते हैं एंड गुड प्रोडक्ट्स यूज करने से होता है लेकिन ये है कि हाँ और वो इफेक्ट करता है पर्सनैलिटी पे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है इट इफेक्ट्स योर स्टडीज एज वेल You're and right. especially okay. I, वो जो college girls हैं वो जो teenage या वो twenties
वो एक बड़ा स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि यू हैव टू लुक गुड एंड यू नो व्हाट्स द ट्रेंड, और अगर सारे यू नो स्ट्रेट हेयर हैं या आपकी वो जो स्किन है वो शाइन एंड ग्लो करे. ऑल्दो मैं आई एग्री के या यू हैव टू कीप, अगर इफ यू आर अ वर्किंग वुमन या इफ यू आर अ हाउस वाइफ, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल तो रखें. या आई मीन डोंट बी लाइक यू नो कि मैंने कुछ नहीं करना, मैं तो बस ये हूँ. बट द थिंग इज टू हाँ, जो समथिंग विच इज नॉर्म एक्सेप्टेबल, समथिंग विच इज डूएबल, विच लुक्स गुड ऑन यू. अगर अभी सारी दुनिया जो है वो स्ट्रेट हेयर की तरफ है, बट योर हेयर इज कर्ली एंड दैट्स द नेचुरल कर्ली हेयर या वेवी है, तो दैट्स लेट्स कीप इट एज इट इज. आई मीन यू शुड बी हैप्पी विद योर हेयर टेक्सचर. I think I just add to this. इसमें ना it's not just आपको, it's not just your own reflection कि आपको क्या लगता है और किस तरह से. इट्स बेसिकली पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप करता है कि यार मैंने आईब्रोज करवा ली है, तुमने क्यों नहीं करवाई, या यू नो ये वाला जो साइकिल है बहुत विशेष साइकिल है. फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को कहेंगे, दे जज ईच अदर ऑन दीज थिंग्स. देन अगर आपकी शादी भी हो जाती है तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी जजमेंट आती है जब आपका मियाँ एक से दूसरी बीवी से आपको कंपेयर करना शुरू कर देता है. कभी उसकी बीवी तो ऐसे लगती है मेरी भी हमारी ऐसे, और ये बहुत ही कॉमन चीज है. मेरा ये ख्याल है कि इट्स नॉट जस्ट कि हमें क्या लगता है कि हाँ हमारे हिसाब से क्या ठीक है, इट्स और इट्स सोसाइटी की ओवरऑल चीज के किस तरह का आपको दिखना चाहिए, किस तरह का आपको होना चाहिए. सो इट्स आई वांटेड टू टॉक अबाउट बात की जाती है. इसपे ये होता है कि हमारा जो मेल सोसाइटी है, जो हमारे हस्बैंड्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो भी आपको जज कर रहे होते हैं. देखो वो पतली है, वो मोटी है, तुम्हें जिम जाने, उसने ये किया, उसने वो करवाया, तुमने क्यों नहीं करवाया, why aren't you doing, why aren't you, comparison इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक टाइम पे आपको लगता है कि अलविदा मतलब आपने ये क्या कर दिया. क्रॉसिंग द बॉर्डर आप देखो कितनी सर्जरीज होती है, और यहाँ पे भी होती है, इवन इन पाकिस्तान यू नो यू गेट टू डू अ लॉट ऑफ सर्जरीज, और अब तो बहुत ही ज्यादा हो रही है. आईब्रोज करा लो जाके, फेक लैशेस लगवा लो. सो यू नो वी आर मेडलिंग विद द नेचर. हम उसको वैसे भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन यू नो वी हैव गॉन बोर्ड ओवरबोर्ड इस चीज के लिए. और मेरा ख्याल है कि बचपन से या एट अ लेवल फ्रॉम 4-5 ग्रेड ऑनवर्ड्स, आई वुड एग्री विद मी, हमें ये अवेयरनेस बच्चियों को और बच्चों को देनी चाहिए कि यू नो अपनी आइडेंटिटी, वट एवर यू आर, यू शुड बी यू नो प्राउड ऑफ दैट फैक्ट. तो ये बात होनी चाहिए डेफिनेटली. I think you're right. लेकिन इसके अंदर जब हम we throw in the body sizes ना, तो it's not even you know limited to your husband or your close friend circle anymore. It's basically the whole society that judges you कि ये वाला एक जो आपका एक dimension है ना, इसमें आपको fit in होना चाहिए. Otherwise आप name calling है. There is so many shaming के तरीके जो हमारी society अपना. I think when you are in early ages na aapko thoda hota hai ki oh yeah I have to be you know same, let's you know adopt any trend jo bhi fashion aaya hai main bhi pehna hunga. Lekin you know with the time aapko pata chalta hai ki ji aapki jo personality hai aur aapka jo character hai, jo aapka inner self hai, oh that's important. The way you talk, the way you carry yourself, what color suits you, you know, aapko hairstyle kaun sa acha lagta hai. And then you start saying, convince the people, nahi, mujhe acha lag raha hai. I like this style, you know. Or I'm comfortable with that. Ya, chalo, koi banda ek to family se appreciate karta hi hoga na. Matlab, chalo, okay, my husband, he appreciate me on this. Why I have a curly hair. Matlab, saare hi to against me hoenge na. तो मुझे लगता है वो आपको विद द टाइम विद द एज व्हेन यू गेट मैच्योर आपको एक लेवल आता है कि ओके दिस इज माय स्टाइल आई एक्सेप्ट इट. अगर आपको अच्छा आई मीन इन माय पर्सनल कमेंट्स मुझे बहुत से लोग कहते थे छोटी जब मैंने सीजीएम करना शुरू किया तो ये तुमने बाल क्या किए हैं, व्हाई डोंट यू, अच्छा बल्कि किसी कुलीग ने मुझे ये भी कहा कि व्हाई डोंट यू स्ट्रेट दम, बस इस फ्रंट से तो स्ट्रेट कर लो ना, पीछे मतलब चलो जिस तरह भी गड़बड़ लग रहे हैं, मैसी लग रहे हैं, दैट्स फाइन, लेकिन आगे से तो स्ट्रेट लगे. मैच्योरिटी लेवल आने तक ना आप लोगों को भी बता सकते हैं कि या एक्सेप्ट मी एज आई एम, अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर आप अपने ऊपर अप्लाई कर लें. बट गर्ल्स मुझे ये भी लगता है कि अब जैसे आई वाज कमिंग ओवर एंड आई वाज गोइंग थ्रू माय फोन, तो वहां पे आ रहा था स्किन वाइटनिंग ड्रिप्स. अब आई डोंट नो हाउ सेफ एंड सिक्योर दे आर. एक तो ये जो हमारा कलर का है ना कि लड़की गोरी चिट्टी होनी चाहिए, पतली दुबली होनी चाहिए,
सोसाइटी का ये प्रेशर है, सोसाइटी एवरीबडी एवरी लेवल पे आपको ये होता है कि पतली होनी चाहिए, दुबली होनी चाहिए, जबकि हमारे यहाँ का ख्याल है कि अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, वेस्ट में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है कि प्लम्पिश लुक होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का है ना, वो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं जॉब के लिए जा रहे हैं, स्पेशली ये जो रिश्तों वाली बात होती है उसमें तो ये डेफिनेटली लड़की पे गोरी चिट्टी होनी चाहिए, चंद वर्गी बहू चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा हमने अपने लिए ही बना लिया है। बिल्कुल तो आई एम आई एम अगेंस्ट दोस व्हाइटनिंग ट्रिप्स, आई डोंट नो व्हाट दे कैरी, एंड इवेंचुअली आई थिंक कि उसमें कुछ ना कुछ कैंसरस है कुछ इसका, बिकॉज़ बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो दे हैव गॉन थ्रू एंड दे हैव I think you know surgeries है ना, they are so problematic. आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त वो भी surgeries हो रही हैं, इसके अंदर लोग जो हैं अपने stomach remove करवा रहे हैं. So nothing stays in there. तो मतलब कि सीधा वो gut में flow करेगा. You cannot eat anything. तो मतलब इससे बहुत ज़्यादा disorders भी हो रहे हैं and everything. मतलब कि I don't understand the thing is कि like I was saying it's the society that you know menaces with your mental well-being. So it's not something के जो हम as an individual level पर हम इस तरह से कर सकते हैं कि in the sense के मतलब we all have our own stories, हम अपने बच्चों को empower करें, अपने बच्चों को इसमें से निकालने की कोशिश करें, because the idea here is के not many people want to come out of this circle as well ना, because वो जो बहू चांद जैसी लानी है, बेटा गंदा काला स्या होगा, मोटा भी होगा, लेकिन बीवी उसको ऐसी चाहिए होगी, मतलब हमारे, so I think इसमें भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें awareness की and self acceptance की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने आप को इतना inferior ना feel करें and so on, और इसकी awareness, acceptance and giving confidence to the girls as well कि सामने आए बोले हम लोग अभी एक मेरा ख्याल है टीवी पे ad भी चल रहा है कि उसमें वो कहते हैं कि पिक्चर में तो आई थिंक मैं उस साइट को नहीं नाम लूंगी उस साइट का कि उस पर तो तस्वीर बहुत गोरी थी और लड़की तो बहुत सांभली है और इस तरह से है, तो वो हमें अपनी गर्ल्स को भी कहना है कि दे हैव टू यू नो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि कहना चाहिए कि हमने नहीं करना, जैसे अनदर क्रॉस द बॉर्डर एड जहाँ पर वो लड़की मोटी होती है एंड शी इज बीइंग टॉन्टेड व्हिच गेट्स अप एंड शी सेज इट, और वो कॉन्फिडेंस बड़ी मुश्किल से आ गई, बड़ी सोसाइटी को फेस करना इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मेच्योरिटी के एक लेवल पे पहुंच के आपको करना चाहिए, और यहाँ पे मैं कहूँ कि मदर्स टीचर्स और आपके जो मेंटर्स होते हैं स्पेशली गर्ल्स तो लुक अप करती हैं ना अपनी टीचर्स को स्पेशली, तो वहाँ पे जो है ना हम एक बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं कि यू नो I will tell you, we always do a social campaign, something like that. And I ask the girls, अभी भी जो लड़कियां हैं, I mean, वो ज्यादातर यही prefer करती हैं. Let's talk about again the skin color and you know how your skin should be a perfect. और वो उनको ये favorite, I mean, उनको बहुत अच्छा लगता है उनको to talk about it and make it as a social cause. कि what if I have, you know, not that fair complexion, या मेरे बाल वो वाले straight नहीं हैं, या मेरी height एक certain हो रही है, beauty standards नहीं है. So they love to do that और उसके ऊपर बात करते हैं. आई थिंक दे आर अवेयर, लेकिन अगेन वही बात है कि इम्प्लीमेंट करना, बातें करना, यू नो उसके बारे में समथिंग एल्स, लेकिन जब आप पे आती है ना वो बात, तो फिर वो आप क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या आप अपने साथ पे, यू नो व्हाट इट कम्स टू यू, तो वो आप फिर उसको किस तरह देख रहे हैं, ये बड़ा एक है. आई मीन एवरीबॉडी लव टू टॉक अबाउट इट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन या जब आप बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक दैट्स वेरी वेरी राइट. होता ये है कि ना जहाँ तक कैंपेन चलाने वाली बात है और जहाँ तक बड़ी बड़ी बातें करने की बात है, उसको कोई भी कर सकता है, बट ये है कि आप खुद देखते हैं कि खुद लड़कियां जो बैठी हुई होंगी, उन्होंने इतना मेकअप करके वो बैठी हुई होंगी, इतना वो अपने आप को वो सब कुछ कर रही होंगी जो वो कह रही है, इट्स नॉट सपोज टू बी लाइक दैट. सो आई थिंक काफी दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट, लेकिन इट्स अ विशियस सर्कल, दे कैन नॉट कम आउट ऑफ इट एज वेल. और गिवन द एडवर्टाइजमेंट जो हमारे पास 24/7 हमें दिखाए जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया या अपना ट्रेडिशनल मीडिया वट एवर इट इज, उससे हमें बॉडी फॉर्म्स के बारे में बताया जाता है कि कन्वेंशनल यही है और यही अच्छा है. आई थिंक ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड हियर. थैंक यू वफा, इट वॉज एक्सीलेंट हैविंग यू. Thank you, Vafa, for joining us. Hope to see you again. Thank you so much, everyone.